हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब इंडस्ट्री में प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के थ्रू जब आपका सिलेक्शन होता है असम राइफल्स में, तो असम राइफल्स में कांस्टेबल के पोस्ट में आपकी क्या जॉब प्रोफाइल रहती है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कैसी होती है, पोस्टिंग कहाँ आपको मिलती है, ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद वर्क कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है, वर्क करते हुए क्या आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ आपको सैलरी क्या मिलती है, सैलरी के अलावा क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है, प्रोमोशंस कैसे होते हैं, सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। कंप्लीट जॉब प्रोफाइल के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल जो एग्जाम होती है उसके थ्रू ही आसाम राइफल्स में सिलेक्शन होता है कांस्टेबल के पोस्ट के लिए। तो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको आपको ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग आपका स्टार्ट होता है, ये जो ट्रेनिंग होता है 44 वीक्स का होता है। जैसे बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं उसमें जैसी ट्रेनिंग होती है उसी टाइप की ट्रेनिंग यहाँ भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो आपके जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो असम राइफल्स के भी रहते हैं और साथ ही साथ इंडियन आर्मी के भी रहते हैं। यहाँ पे अगर आपने असम राइफल्स का यूनिफॉर्म देखा हो ना तो बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी से मैच करता है। तो यही रीज़न है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है असम राइफल्स में, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन जो कमांड एंड कंट्रोल होता है, कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल होता है, यानी कि जो सीनियर लेवल पे जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं वो सारे आर्मी के रहते हैं। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो होते हैं बिल्कुल आर्मी के जैसे ही आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, सैलरी की अगर बात करते हैं कि जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो उस टाइम पे आपकी जो बेसिक पे रहती है 21,700 रहती है, तो आपकी सारे डीए वगैरह कैलकुलेट करने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी 35,000 to 36,000 बनती है। ये ट्रेनिंग के टाइम में आपको मिलती है, और जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उस समय डिपेंड्स ऑन लोकेशन, डिपेंड्स ऑन पोस्टिंग कि आपको पोस्टिंग कैसे लोकेशन में मिल रही है, आपको कई तरह के अलाउंसेज मिलते हैं। तो उस समय आपकी जो सैलरी रहती है 40,000 प्लस बनती है, इन हैंड सैलरी आपकी बन जाती है। जो भी बटालियन आपको अलॉट होगा उसमें आपको पूरी सर्विस करनी होती है, लेकिन 3 साल में, मतलब हर 3 साल में आपकी जो पोस्टिंग लोकेशन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है बट नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि 3 साल में पोस्टिंग चेंज होती है। कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, तो इसकी जो पोस्टिंग होती है मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में ही होती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही इसकी पोस्टिंग होती है। और अगर जो असम राइफल्स के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो असम राइफल्स की जो हेडक्वार्टर है ये शिलोंग में है। ठीक है, ये दिल्ली में नहीं है, शिलोंग में है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन वगैरह है, तो इलेक्शन ड्यूटी वगैरह आपको मिल सकती है, तो उसके लिए आपको फिर इधर उधर कहीं भेजा जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में भी एक बटालियन है इसकी, असम राइफल्स की, तो वहाँ पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर देखोगे तो अगर आपकी आपका असम राइफल्स में सिलेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही रहोगे। डेप्यूटेशन के बारे में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि यहाँ पे जब असम राइफल्स ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद क्या डेप्यूटेशन में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या किसी दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेज में जा सकते हैं, एनएसजी वगैरह में जा सकते हैं। तो हाँ, उसका एक अलग प्रोसेस होता है, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप असम राइफल्स में रहते हो तो उसके बाद आपको एनडीआरएफ या फिर एनएसजी में आप जा सकते हो, एंड जब आप डेप्यूटेशन में जाओगे तो आपको वहाँ पे 5 साल सर्व करना होता है, 5 ईयर सर्व करना होता है। अब बात करते हैं यहाँ किस तरह की ड्यूटी आपको करनी होती है असम राइफल्स में कांस्टेबल के पोस्ट में जब आपका सिलेक्शन होता है। तो मोस्टली देखिए यहाँ अलग अलग टाइप की ड्यूटी रहती है। जैसे बॉर्डर ड्यूटी अगर आपको मिलती है, तो बॉर्डर अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है वहाँ पे आपको पेट्रोलिंग वगैरह का काम करना होता है, गार्ड ड्यूटी करनी होती है। साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी में, नॉर्थ ईस्ट की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका काम आप असम राइफल्स के ऊपर आता है। ड्यूटी आवर्स की बात करें तो नॉर्मली आपको 8 आवर्स की ड्यूटी करनी होती है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर टफ काम आपका वैसा नहीं है तो 8 आवर्स की आपकी शिफ्ट रहेगी। लेकिन अगर आप गार्ड ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, गार्डिंग कर रहे हो, मोर्चा में अगर आप ड्यूटी कर रहे हो, तो फिर होता क्या है कि आपको 2 आवर्स की ड्यूटी करनी होती है। मतलब 2 घंटे आप कंप्लीट ड्यूटी करोगे, उसके बाद आपको 4 आवर्स का रेस्ट मिल जाता है। तो आप समझ सकते हो 2 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटे का आपको रेस्ट मिलता है। ठीक है, ऐसे करके चलता है। लीव्स की बात करते हैं कि यहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हो असम राइफल्स में तो क्या लीव्स कैसे मिलते हैं। तो लीव्स जब भी आपको चाहिए तो ऑब्वियसली आपको एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ता है, जो वहाँ का जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करना होता है। टोटल कितने लीव्स मिलते हैं, तो 15 CL कैजुअल लीव आप ले सकते हो। उसके बाद 60 अर्न लीव आपको मिलते हैं, 60 अर्न लीव मिलते हैं। अर्न लीव आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा 20 हाफ पे लीव मिलते हैं। हाफ पे लीव में ये होता है कि जैसे अगर आप HPL हाफ पे लीव लेते हो तो फिर आपकी उस दिन की हाफ सैलरी कट हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, HPL नहीं लेते हैं, EL एंड CL वगैरह लेते हैं। और जब आप घर जाते हो, जैसे अगर आप आपने छुट्टी लिया, आप घर जाना चाहते हो, तो वो जो जर्नी पीरियड रहती है ना,
उसके लिए अलग से आपको छुट्टी मिलती है, मतलब ये जो आप 15 CL मिल रही है इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है। तो इस तरह से और भी कई तरह के लीव्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर सिलेक्शन होने के बाद क्या क्वार्टर्स वगैरह मिल जाते हैं? तो देखिए क्वार्टर डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर, अगर अवेलेबल है तो आपको क्वार्टर्स मिल जाएंगे, और फैमिली क्वार्टर्स है तो आप अपनी फैमिली को भी वहां रख सकते हो, अपने साथ में रख सकते हो। लेकिन अगर क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है तो फिर, जो कि बहुत मतलब रेयरली ऐसा होता है कि क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं या फिर क्वार्टर्स वहाँ पे है ही नहीं उस रीजन में जहाँ आपकी पोस्टिंग है, तो फिर आपको बाहर रहना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 8 आवर्स की ड्यूटी आपकी रहती है, तो उसके बाद आप फ्री रहते हो। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि आपकी आप उसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाओगे जो जिस पोस्ट पे, जैसे अभी आप कांस्टेबल के पोस्ट में हो तो उससे सीनियर लेवल की जो पोस्ट रहेगी उसी के लिए आप फॉर्म फिल करवाओगे, अदरवाइज वो शायद आपको अलाउ नहीं करते हैं एग्जाम देने के लिए, ऐसा कुछ रहता है ना। और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के बारे में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो जब आप 5 ईयर्स की सर्विस यहाँ कंप्लीट कर लेते हो तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर करके फिर सीनियर लेवल पे जा सकते हो। प्रोमोशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोमोशंस जो होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो लेंस नायक से फिर नायक बनते हो, हवलदार बनते हो, नायक सूबेदार की पोस्ट में आप जाओगे, फिर सूबेदार की पोस्ट में जाओगे, तो सूबेदार मेजर की पोस्ट में जाओगे, तो ऐसे करके प्रोमोशंस आपके यहाँ पे होते हैं, लेकिन प्रोमोशंस थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि ये सब चीज़ें जो सैलरी वगैरह आपको मिलती है इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है? तो जब आपकी पोस्टिंग किसी, जैसे सपोज आपने आपकी पोस्टिंग हुई है ऐसे लोकेशन जहाँ क्वार्टर्स वगैरह अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कैंटीन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। आर्मी में इंडियन आर्मी को जैसे जो कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है वही सेम फैसिलिटी आपको मिलेगी, CDS कैंटीन उसे कहा जाता है, तो वो फैसिलिटी आपको मिल जाती है आर्मी कैंटीन से, आप जो चाहो वो बाइक कर सकते हो, खरीद सकते हो। मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात करें तो आर्मी के जितने भी हॉस्पिटल्स रहते हैं वहाँ आप इलाज करा सकते हो, साथ ही साथ बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कुछ कुछ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के साथ, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड हैं असम राइफल्स के साथ, तो वहाँ पे आप इलाज करा सकते हो अपना, और साथ ही साथ आपके जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स रहने वाले हैं उनका आप फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, कम्प्लीटली फ्री रहेगा, आप इलाज करा सकते हो, कैशलेस पूरा रहता है। इसके अलावा जैसे नॉर्मल जो चीज़ें हैं ना, नॉर्मल जो आपके खर्चे होते हैं, जैसे हेयर कटिंग आपको कराना है या फिर कपड़े धुलवाने हैं, तो ये सारी चीज़ें सब के लिए वहाँ पे वहाँ लोग रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, वो सारा काम आपका कर देते हैं, आपको इन सब चीज़ों में कुछ भी खुद से भी काम नहीं करना है और कोई पैसा भी खर्च नहीं करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिल जाती है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी सवाल होता है कि सर ट्रेनिंग, अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग पीरियड के टाइम अगर मैं कोई एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, दूसरा एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो क्या मैं दे सकता हूँ? तो ये देखिए कम्प्लीटली डिपेंड करता है वहाँ के हेड के ऊपर, आपको एप्लीकेशन लिखना है एंड ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको उस एग्ज़ाम को देने के लिए छुट्टी देते हैं या नहीं देते हैं, ये कम्प्लीटली उनके ऊपर है। ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई रूल नहीं है कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो वो छुट्टी दे ही देंगे, ये ट्रेनिंग शेड्यूल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे उस टाइम पे अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह आ रहा है, ट्रेनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं ना, तो उस समय अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली आपको छुट्टी नहीं देंगे, और बीच में अगर कुछ है कि बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं चल रही है तो हो सकता है वो आपको छुट्टी दे दे, तो ये वहाँ पे जो हेड रहेंगे, जो इंचार्ज रहेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये थी सारी डिटेल्स इससे जुड़ा, अगर आपका कोई सवाल रहता है इसके बारे में, अगर आपको और कुछ जाना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।